आपके एस आई ने बदतमीजी करी मेरे मोबाइल में, मैंने उसको कहा मैं पार्लरवासी के लिए रवाना हो जाऊंगी एक घंटे में, आपने बदतमीजी करी है ना इसलिए आई हूँ, अब आपसे कोई संवाद नहीं करेंगे, आपके कमिश्नर बात करेगा, नहीं तो आप जिसको लेने आए हो ना जब जब एक कान खोल कर सुन लेना, और बिजली विभाग में और कहीं पे भी जब जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। पंचायती कि उनके घर पे बिजली विभाग की एक टीम पुलिस के जाब्ते के साथ आई, मैंने एसआई से बात करी उसने बदतमीजी करी, जेएम से बात करी उसने बदतमीजी करी कि हम हमारा काम कर रहे हैं, मैंने पूछा कि आप क्यों आए हैं मौके पर, क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्यों पुलिस आई, और फिर मैं वहां से रवाना हुई और यहाँ मैं एक बात पुलिस प्रशासन है और ऊपर तक बात हो गई है कमिश्नर तक, एक बात हमने ये कह दी है कि किसान के घर पर पुलिस बिजली के विभाग के साथ बदले की राजनीति से नहीं आई। और कमिश्नर साहब से बात हो गई है, ये भी आपको बोल देंगे, ये बात तय हो चुकी है कि डिस्कॉम के साथ पुलिस विभाग इस तरीके की कार्रवाई के अंदर हस्तक्षेप आज के बाद नहीं करेगा। पुलिस को जो इमदाद भेजती है डिस्कॉम, ये डिस्कॉम के एक्सएन साहब है, इनसे भी बात कर लिए कि आपके रूटीन के काम है, 5 साल हमारा राज था तभी भी सब पार्टी के लोग रहते हैं, कभी भी हमने कहीं कहीं किसी काम के लिए बिजली विभाग में पुलिस नहीं आई। अगर आपको कोई स्थिति लगती है आप पहले एक पक्ष से वार्ता करिए, दूसरे पक्ष से वार्ता करिए, कोई बीच में प्रबुद्धजनों को रखिए, समझाइश करिए, गांवों के लेकर आइए, पुलिस को बिल्कुल भी आप अपने राजनीतिक टूल में इस्तेमाल मत कीजिए, आपको इमदाद मत भेजिए। दूसरी बात जहां तक पुलिस की है कि अगर आपके पास इमदाद आती है, क्योंकि आपके आपसे अगर कोई प्रोटेक्शन मांगेगा तो आप भेजते हैं, आपको स्थिति वास्तु स्थिति पता नहीं होती है, जैसे आज भी आप आगे, लेकिन एक गरीब किसान तो इतने सारे पुलिस वालों को देखता डर जाता है, आपके पास आएगी आप उसको अपने न्यूट्रल सोर्सेज से वहां पे वास्तु स्थिति को लीगली चेक कराएंगे कि क्या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति वहां पर है, या सिर्फ आप एक किसी गरीब का ट्रांसफार्मर उतारने के लिए या जोड़ने के लिए या कोई भी कारण से किसी को डराने के लिए पुलिस जाब्ता लेके गई है बिजली विभाग, ये सुनिश्चित करेंगे इस बात की भी पक्की होगी। मैं मौके पे इसलिए आई थी इस तरीके से पुलिस को टूल बनाकर बदले की भावना से किसानों के घर पे पुलिस नहीं जाएगी, ये हमारा मुख्य मुद्दा। अब बात आई कि हम काटने नहीं आए थे, हम जोड़ने आए थे, आप चाहे काटने आए चाहे आप जोड़ने आए चाहे आप लाइन लगाए चाहे आप कोल लगाए चाहे आप जीएसएस में काम करें, आप आम किसान के घर पुलिस नहीं लेके जाएंगे, मुझे काटने जोड़ने से कोई मतलब नहीं, जोड़ने भी आए थे तो आप इतनी पुलिस क्यों लेके आए थे सरपंच के घर पे, क्या डराना था, इसलिए दोनों चीजें काटो और जोड़ो हमें कोई मतलब नहीं है, आप पुलिस नहीं लेकर आए। और जहां तक जो कोई मैटर कनेक्शन का है वो मैंने कह दिया क्योंकि हमारा